दोस्तों नमस्कार। न्यू ट्रेडर्स डेली हेल्प में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेंद्र यादव। आप देख रहे हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन। बैंक निफ्टी 5 मिनट का चार्ट है। देखिए आज मार्केट कहां पे ओपन हुई है और आपका ट्रेड कहां पे बना है ये दिखा देता हूं। देखिए ये है आज का सपोर्ट, ठीक है, और ये है रेजिस्टेंस। मार्केट गैप डाउन ओपन होती है, यहाँ पे मार्केट गैप डाउन ओपन हो रही है, इसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाती है, यहाँ ऊपर जाने के बाद ये फिर से नीचे आती है, नीचे आने के बाद में यहाँ से दूसरी कैंडल यहाँ पे अपने सपोर्ट से थोड़ा नीचे जाके फिर से यहाँ से रिटर्न होती है और ये बढ़िया ट्रेड है। लेकिन यहाँ पे किसी ने एंट्री लिया होगा, देखो इसने यहाँ पे क्लोज करके अंदर हुई और फिर ये बाहर हुई। देखो यहाँ पर रिस्की ट्रेडर्स तो यहाँ से ही, जब यहाँ से मार्केट वापस हुई और ये बनी है तभी एंट्री ले लिया होगा। रिस्की ट्रेडर्स अगर एंट्री लिया होगा तो यहाँ पे उसको एक अच्छा प्रॉफिट मिल गया होगा, ठीक है ना। कितने का प्रॉफिट? 500, 600, लगभग 150 पॉइंट का, 150-200 पॉइंट का एक ट्रेड उसको मिला होगा। फिर इसके बाद मार्केट साइडवेज हो गई है, कुछ भी नहीं करी। अब हम लोग देख लेते हैं, ये देखो मैंने कल आपको बताया था, देखो ये जो है ये इस रेजिस्टेंस को ये ब्रेक नहीं कर सकी है। और अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ऊपर गई, नीचे आई, ऊपर गई, यहाँ तक यहाँ पे आके क्लोज करी है, ठीक है ना। पहले ये नीचे आई थी, ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, ये देखो ना। अब ये अगर कल फिर गैप डाउन ओपन होती है, यहाँ पे ओपन हो जाएगी, अगर ओपन होके नीचे आती है तो आप समझ लो कि ये यहाँ से मार्केट रिटर्न हो चुकी है, इस हाई तक नहीं पहुँच रही है, अगर यहाँ से वापस हो गई। और अगर गैप अप ओपन होके इसको ब्रेक कर दिया, इसने इसको ब्रेक कर दिया और देखो एक सेकेंड, देखो अगर ये यहाँ पे गैप अप ओपन हो जाए, यहाँ पे गैप अप ओपन हो जाए और हो के इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके कल की कैंडल ब्रेक कर दे तो फिर हम ऊपर की तरफ 48,000 पे पहुँच जाएंगे कल। और नहीं तो कल की उम्मीद क्या है, कल की उम्मीद ये है कि मार्केट यहाँ से नीचे आएगी, ये यहाँ से यहाँ कल रेड कैंडल बनना है। और ये है इसका, ये है यहाँ पे अगर गैप अप हुई तो ये सपोर्ट है यहाँ से, यानी अगर गैप अप या फ्लैट ओपन होगी तो 45,500 से अगर इसको ब्रेक कर देगी तो ठीक है, नहीं तो ये यहीं से वापस होगी, ऊपर जाएगी। और अगर गैप डाउन ओपन हो गई तो फिर इसका रुकने की जगह 47,000 है, यहाँ पे इसको सपोर्ट मिलेगा, फिर ये यहाँ तक 47,000 तक आएगी। अब कल का खेल क्या है, अगर गैप अप ओपन होगी तो 48,000, अगर यहाँ से गैप डाउन ओपन होगी तो 47,000 यहाँ तक आ सकती है। वैसे उम्मीद ज़्यादा है कि अब यहाँ से ये वापस होगी, इसको ब्रेक करने की उम्मीद नहीं दिख रही है, ठीक है। चलते हैं निफ्टी पे, ये तो हो गया बैंक निफ्टी, ये निफ्टी का ट्रेड आप देख लो, ठीक है। निफ्टी में ये है पहली कैंडल और हैमर बनी है,
और ये हैमर काम क्यों नहीं करी? काम इसलिए नहीं करी कि अगर ऐसी गिरावट हो, एक दो घंटे की गिरावट हो, या फिर कई दिनों से, 5-6 दिनों से मार्केट गिरता आता हो और फिर यहाँ पे हैमर बन जाए, अगर ये 5-6 दिन की गिरावट के बाद हैमर बना होता तो जाके ये भारी गिरावट के बाद जब हैमर बनता है तब जाके ये काम करता। तो ये है बना हैमर, और ये हो गया इसका रेजिस्टेंस, ये हो गया सपोर्ट, ठीक है ना? देख लो सपोर्ट रेजिस्टेंस। बस इसमें भी देखो, ये है पहली कैंडल, इसका इसने अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करके यहाँ पे क्लोज कर दिया, लेकिन ये वेरीफाई करने नहीं आई। कुछ लोग होते हैं जैसे 920 की जो स्ट्रेटजी है, तो उस पर अगर इसके ऊपर नेक टू नेक मार्क कैंडल बनती है तो लोग एंट्री लेते हैं। तो इसके बाद में यहाँ पे जो रिस्की ट्रेडर्स हैं उनने अगर एंट्री लिया होगा तो ये बन गई है। फिर इसके बाद ये नीचे की तरफ वेरीफाई करने आती है, लेकिन फिर संभलती नहीं, नीचे की तरफ चली जाती है। अब यहाँ पे कोई सिचुएशन नहीं दिख रहा है कहाँ से एंट्री लिया जाए, ठीक है? यहाँ आने के बाद में जब यहाँ आई फिर ऊपर गई, यहाँ आई फिर ऊपर गई, फिर ये क्या प्रोजेक्शन बनाने लग गई नीचे की तरफ। नीचे की तरफ प्रोजेक्शन बनाने लग गई। अब ये कैंडल है, ये यहाँ पे कोई सिचुएशन नहीं है, कोई सेटअप नहीं दिख रहा है कि हम पुट साइड का ट्रेड लें, यहाँ पे कोई सिचुएशन नहीं है। इसलिए लोग देखते देखते मार्केट यहाँ आ गई और यहाँ से फिर यहाँ साइडवेज हो गई। अगर किसी ने ऐसे अटेंडम ले लिया होगा तो प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन कोई सेटअप नहीं है, ठीक है ना? अब देखते हैं कल हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है ना? ये देखिए वनडे के चार्ट के हम लोग देख लेते हैं। देखो ये इसको ब्रेक नहीं कर सकी, ये हाई को ब्रेक नहीं कर पाई, ये इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाई। और देखो कल इसका वीक छोटा था और वीक बड़ी थी, बॉडी छोटी थी। आज देखो बॉडी नीचे की तरफ हो गई है, ठीक है? तो इसमें क्यों नीचे की तरफ क्यों हुई है, ये देख लो। यहाँ पे मार्केट यहाँ ओपन होती है, यहाँ ओपन हुई, ऊपर गई और फिर ये नीचे आई, ठीक है ना? तो ये नीचे यहाँ पे ओपन हुई है, ये है इसका ओपन पॉइंट, ठीक है? और इधर ऊपर की तरफ में देखिए ना, इधर ज़्यादा है, यहाँ से नीचे मार्केट कितना आई है, इतना, ये और ऊपर कितना गई है, यानी ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे आपको यहाँ से मार्केट कल से गिरते गिरते साइडवेज है और यहाँ से वापस ओपन ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, तब ये ठीक नहीं चल रही है। अब ये मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, कल अगर ये यहाँ पे ओपन हो गई, ठीक है, तो फिर यहाँ पे ओपन हो गई और तो फिर ये जो हाई है इस हाई को ब्रेक करेगी। अगर इस हाई को इसने ब्रेक कर दिया तो फिर हम 22,800 या 23,000 से वापस 30,000 के आसपास से 23,000 के आसपास से फिर वापस होंगी। अगर इसको ब्रेक करके आगे गई तो कल परसों ऐसे करके देखो। और अगर कहीं इसने गैप डाउन किया और फिर नीचे की तरफ आई, ये 22,400 के आसपास में यहाँ पे ओपन हो गई, तो फिर ये कहाँ पे रुकेगी, 22,200 पे, ठीक है, यहाँ पे आके रुक जाएगी। ये 22,200 पे यहाँ मार्केट आके 22,200 यहाँ पे रुकेगी, नीचे आई तो यहाँ तक ये कर सकती है। और फिर दूसरे दिन
ये बाउंस बैक कहाँ से करेगी, बाउंस बैक 22,000 से करेगी, यहाँ आएगी और फिर यहाँ से ऊपर से जाने की कोशिश करेगी, ठीक है ना। अभी क्या कर रही थी ये, देखो ये हाई, देखो ये यहाँ से यहीं से गड़बड़ हुई है, जब प्राइजेक्शन बन रहा था तो ये आई, इसने इस हाई को ब्रेक, फिर इस हाई को ब्रेक नहीं किया, ठीक है ना, और फिर जब दोबारा ऊपर गई तो फिर नीचे आई तो इस लो को ब्रेक नहीं किया, इस लो ने, यहाँ पे देख लो बहुत मामूली अंतर है, अगर इसको ब्रेक करके नीचे आ जाती तो यहीं से मार्केट, फिर ये ऊपर जाती है और इस लो को ये ब्रेक कर देती है, फिर कोशिश करने ऊपर जाने के लिए फिर नहीं होती, फिर तो अभी ऐसा लग रहा है कि अगर ये ऊपर गई, यहाँ तक गई है, अब यहाँ से वापस आएगी 22,000 पे, 22,000 के बाद फिर वापस हो सकती है या फिर 22,500 से फिर नीचे आ सकती है, ठीक है ना। अब ये न्यूज़ के ऊपर है, कोई अच्छा न्यूज़ आ गया मार्केट में तो होगा, तो कल का हम इस टारगेट होगा नीचे की तरफ 22,200, पुट की तरफ 22,200 और काल की तरफ तो ऐसे दिख नहीं रहा, अगर इसको ब्रेक करे तो 22,400 है 500 तक, 22,500 ये कॉल साइड है, 22,500 जा सकती है और पुट साइड में 22,200 जा सकती है। तो दोस्तों ये था हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन, आप जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें, मिलेंगे कल फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।